इस वीडियो में हम सर्किट ब्रेकर को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने सर्किट ब्रेकर का बेसिक ऑपरेटिंग प्रिंसिपल समझाया था और आज मैं एग्जामिनेशन ओरिएंटेड टॉपिक्स कराऊंगा, जिन टॉपिक्स से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मल्टी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं, वो टॉपिक्स आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन इस वीडियो को समझने से पहले मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इससे पहले की सर्किट ब्रेकर का पार्ट वन देख लें, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वहाँ से आप क्लिक करके सीधे उस वीडियो पर पहुँच जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आगे आने वाली सभी वीडियो से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अंकित, आप देख रहे हैं एबी क्लासेस और चलिए हम शुरू करते हैं सर्किट ब्रेकर के पार्ट टू के साथ। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फॉल्ट क्लियरिंग टाइम क्या होता है, सर्किट ब्रेकर में आर्क इंटरप्शन कैसे होता है, सर्किट ब्रेकर की क्लासिफिकेशन और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर, जिससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं फॉल्ट क्लियरिंग टाइम से। देखिए, जब भी किसी पावर सिस्टम में या किसी भी सर्किट में फॉल्ट होता है तो सबसे पहला जो टाइम लगता है उसे क्लियर करने में, वो लगता है रिले को उस फॉल्ट को सेंस करने में। सेंसिंग ऑफ रिले सेंसिंग टाइम। उसके बाद लगता है टाइम सर्किट ब्रेकर ओपनिंग में, ओपनिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर। उसके बाद अगर मैंने जैसा पहली वीडियो में बताया था, एक आर्क बन जाता है जब कॉन्टैक्ट्स को, फिर से बता देता हूँ, जब सर्किट ब्रेकर को हम इस तरह से ओपन करते हैं, एक फिक्स्ड कॉन्टैक्ट होता है, एक मूविंग कॉन्टैक्ट होता है। जब मूविंग कॉन्टैक्ट को दूर ले जाके इसे ओपन करते हैं तो बीच में एक आर्क बन जाता है, उस आर्क में भी करंट फ्लो करता है। उसको भी क्वेंच करने के लिए, जब उसे क्वेंच करते हैं, ख़त्म करते हैं, तब जाके फॉल्ट क्लियर होता है। तो जो लास्ट में हमारा टाइम लगता है वो होता है आर्क इंटरप्शन का। जो ये टॉपिक है वो मैं बताने वाला हूँ। तो टोटल मिला के तीन स्टेप्स में हमारा फॉल्ट क्लियर होता है। पहला रिले जो सेंस करती है फॉल्ट को, उसमें कुछ टाइम वेस्ट होता है, उसके बाद ओपनिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर में, और उसके बाद आर्क इंटरप्शन में। तो ये टोटल मिला के 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी की 4 to 5 साइकिल्स इसमें लग जाती हैं। ठीक है, अब आर्क इंटरप्शन हम देख लेते हैं। आर्क इंटरप्शन दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो होता है कि इस गैप का रेजिस्टेंस हम बढ़ा दें तो वहाँ पे करंट फ्लो कम हो जाएगा। अब रेजिस्टेंस बढ़ाया जा सकता है सेपरेशन बढ़ा के, कूलिंग करके, या स्प्लिटिंग ऑफ आर्क के थ्रू। और दूसरा मेथड होता है करंट जीरो इंटरप्शन होता है। वो क्या होता है, देखिए, जब साइनोसोइडल वेवफॉर्म हमारी होती है 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी में, ये एक सेकंड में 100 बार जीरो से होके गुजरती है। देखिए, यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है। तो इस केस में क्या होता है, जब करंट जीरो इंटरप्शन में हम आर्क को कैसे इंटरप्ट करते हैं, जब भी ये जीरो पे आती है सिर्फ उसी टाइम हम इंटरप्ट करते हैं। जब करंट की वैल्यू जीरो होती है उस टाइम ये करंट, यहाँ पर देखिए होता किसकी वजह से, क्योंकि एटमॉस्फेयर में कुछ आयंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर जब करंट जीरो हो जाए, जब ही हम सारे आयंस को वहाँ से निकाल दें, वाइप आउट कर दें, तो उसके बाद करंट नहीं बन पाएगा। तो ऐसा ही हम करते हैं करंट जीरो इंटरप्शन में। करंट की वैल्यू जब जीरो होती है तब हम सारे आयंस को वहाँ से वाइप आउट कर देते हैं, और जो वाइप आउट का जो रेट होता है वो करंट दोबारा से बनने के रेट से कहीं ज़्यादा होता है, मतलब जल्दी से हम कर देते हैं। तो उसके बाद ये आर्क दोबारा से नहीं बन पाती है, तो इसको बोलते हैं करंट जीरो इंटरप्शन। तो अब हम क्लासिफिकेशन पे आते हैं सर्किट ब्रेकर की। पहली जो क्लासिफिकेशन है वोल्टेज के बेसिस पे होती है। यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है कि हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर्स की रीडिंग क्या होती है। या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इन सबको नोट करके याद कर लेना कि जो वोल्टेज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होती है वो किस तरह से होती है, कि अल्ट्रा हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर्स की रेटिंग क्या होती है या हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर्स की रेटिंग क्या होती है, वो आप यहाँ से देख लीजिएगा। जो मेन चीज़ होती है वो होती है उनके जो आर्क क्वेंचिंग मीडियम होता है सर्किट ब्रेकर्स में जो आर्क क्वेंचिंग मीडियम होता है, जैसे किसी में एयर होता है, किसी में ऑयल होता है, उसके बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो सबसे पहले आते हैं एयर सर्किट ब्रेकर्स। एयर सर्किट ब्रेकर्स की वोल्टेज रेंज होती है
400 वोल्ट टू 12 केवी किलो वोल्ट तक। लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर्स ही होते हैं इनमें, ये डीसी सर्किट्स में भी यूज किए जा सकते हैं अप टू 12 केवी तक। अब आते हैं ऑयल सर्किट ब्रेकर्स। ऑयल सर्किट ब्रेकर्स में जो आर्क क्वेंचिंग मीडियम होता है वो ऑयल होता है। अब ऑयल होता है और ये इस उस ऑयल की वजह से कॉस्ट तो बढ़ी जाती है। इसमें क्या है, ट्रांसफार्मर ऑयल की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इनकी स्पीड भी काफ़ी स्लो होती है। ये सब जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ ये आप ध्यान से याद कर लेना कि क्या क्या इनमें होता है, ये पूछ लिए जाते हैं। और ये यूज किए जा सकते हैं अप टू 11 केवी तक। और जो इनकी इंटरप्टिंग कैपेसिटी होती है इंटरप्टिंग कैपेसिटी होती है 250 MVA, ठीक है। इनका अगर हम इसे हाई वोल्टेज में यूज़ करेंगे तो इनका साइज़ काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम इसे यूज़ नहीं करते हैं ऑयल की वजह से। अब आते हैं एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर्स में। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर्स में क्या होता है, जो वो कॉन्टैक्ट्स होते हैं तो इस आर्क को ख़त्म करने के लिए एयर का ब्लास्ट किया जाता है किसी कॉम्प्रेसर की मदद से। तो इस केस में काफ़ी ज़्यादा नॉइस भी प्रोड्यूस होती है। ये पहले यूज किए जाते थे। जो एयर जो होती है, एयर का ब्लास्ट किया जाता है 20-30 kg/cm³ इस प्रेशर से, पर सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रेशर से इस पर ब्लास्ट किया जाता है। ये पहले यूज होते थे, अब काफ़ी कम यूज़ होते हैं क्योंकि इनकी जगह SF6 सर्किट ब्रेकर्स आ गए हैं। ये यूज हो सकते थे 132 kV या इससे भी ज़्यादा तक, इससे भी ज़्यादा के लिए ये यूज़ किए जाते थे पहले। लेकिन इनकी कुछ डिसएडवांटेजेस थी, जैसे एक तो मैंने बताया, एक इनके लिए कंप्रेसर की ज़रूरत होती है ब्लास्ट करने के लिए, इसमें नॉइस भी प्रोड्यूस होती है। तो इसकी जगह SF6 सर्किट ब्रेकर्स आ गए हैं। तो नेक्स्ट आते हैं SF6। SF6 होती है सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस होती है, ये इनर्ट गैस होती है। इसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो 2.5 टाइम्स ज़्यादा है एयर के कंपैरिजन में। मतलब अगर जैसे ये दो कंडक्टर्स हैं, यहाँ पे एयर है तो इनमें करंट आपस में यहाँ पे मतलब ब्रेकडाउन ना हो एयर का, तो इसकी जो डिस्टेंस रखी जाएगी, अगर यहाँ एयर की जगह सल्फ ये SF6 गैस होती तो इतनी डिस्टेंस भी रखी जा सकती थी। कहने का मतलब ये है कि SF6 गैस में हम स्पेस को कम कर सकते हैं, इसकी वजह से जो सर्किट ब्रेकर्स हैं उनका साइज़ काफ़ी कम हो गया है। अब ये यूज़ तो किए जा सकते हैं 3.3 kV से 765 kV तक, लेकिन प्रीफर किए जाते हैं ये 132 kV से ऊपर के लिए ही, इससे ऊपर के लिए ही ये प्रीफर किए जाते हैं। अब आते हैं वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स में देखिए, जो मैंने बताया था जो आर्क प्रोड्यूस होता है ये आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। अब वहाँ पे जब एयर ही नहीं रहेगी, वैक्यूम हो जाएगा, तो ये आर्क वहाँ पे बनेगा कहाँ से? तो उस तरह से हम आर्क इंटरप्ट करने के लिए वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, तो आर्क इंटरप्ट हो जाती है। अब इस तरह के सर्किट ब्रेकर यूज़ किए जा सकते हैं अप टू 36 kV, ठीक है। तो ये थी क्लासिफिकेशन आर्क इंटरप्टिंग मीडियम के बेसिस पे। अब मेन जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आज का आता है वो आता है रेटिंग। सर्किट ब्रेकर की रेटिंग क्या होती है? देखिए, सर्किट ब्रेकर में होती है एक तो ब्रेकिंग कैपेसिटी, होती है सर्किट ब्रेकर की, और दूसरा आती है मेकिंग कैपेसिटी, ठीक है। अब इन दोनों चीज़ों को समझने से पहले आप इस फॉल्ट की कंडीशन में जो करंट की वेवफॉर्म होती है इसे समझ लीजिए। देखिए, जब शॉर्ट सर्किट होता है तो स्टार्टिंग में इनिशियल करंट हमारा काफ़ी ज़्यादा होता है। मान लीजिए यहाँ पे फॉल्ट हुआ, तो ये जो करंट है देखिए ये सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। उसके बाद ये धीरे धीरे कम होता है, उसके बाद नॉर्मल कंडीशन में आता है। शॉर्ट सर्किट में करंट तो ज़्यादा ही रहता है, लेकिन स्टार्टिंग में वो हाईएस्ट पीक तक जाता है, और कुछ उसमें डीसी कंपोनेंट्स भी होते हैं। अब जैसे ही करंट, जैसे ही कोई शॉर्ट सर्किट होता है, तुरंत तो सर्किट ब्रेकर ओपन हो नहीं जाता है, रिले को सेंस करने में भी थोड़ा टाइम लगता है, तो उतनी देर में ही करंट थोड़ा सा कम हो जाता है।
तो वहाँ पे जब हम उसके सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स को ओपन करना शुरू करते हैं तो ये इस करंट को ब्रेक करता है। तो जो ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है सर्किट ब्रेकर की, वो कैपेसिटी होती है जो इस करंट की आरएमएस वैल्यू को वो सर्किट ब्रेकर ब्रेक कर सके। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए। जो ये यहाँ पे जो करंट है, मतलब ब्रेकिंग कैपेसिटी, वो कैपेसिटी है सर्किट ब्रेकर की जो कि कैपेबल होती है उस करंट के आरएमएस वैल्यू को ब्रेक करने में। ठीक है, जिस भी करंट को के आरएमएस वैल्यू को वो ब्रेक करने की कैपेबल है सर्किट ब्रेकर, वो उसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी है। अब मेकिंग कैपेसिटी होती है जो स्टार्टिंग, अब मेकिंग कैपेसिटी वो होती है जहाँ पे सर्किट ब्रेकर उस करंट को फ्लो होते हुए भी, मतलब विदस्टैंड कर सकता है, कैपेबल है उस करंट को फ्लो कराने का भी। तो स्टार्टिंग में जैसे सर्किट ब्रेकर के थ्रू ये करंट पास होता है, मैक्सिमम करंट, तो ये जो इसकी पीक वैल्यू है ये उसकी मेकिंग कैपेसिटी होती है। अब यहाँ से आप ये अंदाज़ा लगा ही सकते हैं मेकिंग कैपेसिटी ऑब्वियसली ब्रेकिंग कैपेसिटी से ज़्यादा होती है। अब इसका फॉर्मूला मैं आपको लिख दे रहा हूँ, दोनों के फॉर्मूले समझा दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ, याद कर लेना, डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन आएगा। तो जो ब्रेकिंग कैपेसिटी है वो होती है √3 इंटू रेटेड वोल्टेज इन केवी इंटू रेटेड करंट इन किलो एम्पेयर। ठीक है, ये आप याद कर लेना, सीधे सीधे फॉर्मूला पूछा जाता है। अब जो मेकिंग कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, यहाँ से ये आरएमएस वैल्यू मैंने बताई थी ब्रेकिंग कैपेसिटी में, लेकिन मेकिंग कैपेसिटी में होती है पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू को आरएमएस वैल्यू को पीक वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो हम मल्टीप्लाई करते हैं √2 से। उसके बाद यहाँ पर डीसी कंपोनेंट भी हम लेते हैं, तो उस डीसी कंपोनेंट के इफेक्ट को काउंट करने के लिए 1.8 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये एक फैक्टर है, आपको याद ही करना पड़ेगा। उसके बाद जो ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है वो सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी, ठीक है, ये हो गया आपकी मेकिंग कैपेसिटी। अगर आप, अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए मेकिंग करंट, तो वो होता है इसी तरह से, ये √2 इंटू 1.8 को हम 2.55 कर सकते हैं। ये हमने कैलकुलेट करके रखा है, 2.55 इंटू ब्रेकिंग करंट। ये आप फॉर्मूले याद कर लीजिए या यहाँ से समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, और आगे आने वाली वीडियोस से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।